अब हम लोग को पढ़ना है फिजियोलॉजी, मतलब एनाटॉमी ऑफ डाइजेशन हम लोग पढ़ चुके थे, अब नाउ फिजियोलॉजी। तो हम जितने क्या बोलते हैं एनाटॉमी हम पढ़े, तो वहां पे जनरली फंक्शंस हम पढ़ लिए, तो वही हमारा फिजियोलॉजी भी था, फंक्शंस ही हमारा फिजियोलॉजी है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको फिजियोलॉजी लिखने आ जाएगा, तो आप सबका अलग अलग फंक्शंस लिखने बैठ जाएंगे, तो इसीलिए हम एक फिजियोलॉजी भी तैयार कर लेते हैं। लेकिन जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं सारा एनाटॉमी, तो वहां पे आप फिजियोलॉजी भी समझ गए होंगे। तो अब हमारा डाइजेशन क्या था, सिंपली जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, तो उसको छोटे छोटे अमाउंट्स में तोड़ना, दैट इज डाइजेशन, यही था। उसके बाद वो टोटल हमारे बॉडी में असिमुलेट होना, या वो हमारे बॉडी में कंजर्व होना, एब्जॉर्ब होना, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था हमारा डाइजेशन। तो इन प्रोसेस में जो भी चीज प्रक्रिया हो रही है हमारी बॉडी में, तो वो ही हमारा फिजियोलॉजी है डाइजेशन का। तो इसको मेनली हम लोग क्या करते हैं कि 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, इंजेशन, दूसरा प्रोपोल्शंस, थर्ड है डाइजेशन। अब ये डाइजेशन दो तरह का है, इवन मैकेनिकल, दूसरा फिजिकल, सॉरी एक फिजिकल या मैकेनिकल बोलते हैं, दूसरा केमिकल डाइजेशन बोलते हैं, लास्ट है एब्जॉर्प्शन और डिफेकेशन। तो अब ये टर्मिनोलॉजी क्या क्या है वो हम जानते हैं। तो इंजेशन मतलब क्या होता है कि जो भी चीज आप इन कर रहे हैं अपने मुंह के अंदर, ओरल कैविटी में आप जो भी चीज डाल रहे हैं, जो भी ईट कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर, तो उसको हम लोग इंगेशंस बोलते हैं। जैसे आपने मुंह में डाल दिया, दैट इज इंगेशंस। यहाँ तक में कोई दिक्कत? एंट्री कराना कोई भी फूड्स का। नो मैम। उसके बाद दूसरा है प्रोपोल्शंस। इसमें क्या होता है कि मूवमेंट होता है, आपने जो भी खाया, तो अब ये क्या हो गया कि दो तरह का प्रोसीजर है, इधर जो आपकी मर्जी से चल रहा है, एक और जो आपकी मर्जी से नहीं चल रहा है। तो मर्जी से क्या चल रहा है, आप मुंह में क्या बोलते हैं कोई भी चीज निगल रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से निगल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही फेरिंग्स तक पहुंचता है, फेरिंग्स से लेके इसोफेगस में जो एक्टिविटी हो रहा है, वो आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे दो तरह का प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर वॉलेंट्रली जो स्वलो कर रहे हैं हम, जो आप निगल रहे हैं। दूसरा पार्ट इनवॉलेंट्री है, जो आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके खाना आपके फेरिंग्स तक चला गया, उसके बाद उसकी मर्जी है, वो बोलस फॉर्म में, पेरिस्टेल्सिस फॉर्म में नीचे उतरेगा, वो आपका क्या बोलते हैं खाना को नीचे कैसे जा रहा है, उसके बाद आपकी मर्जी नहीं चलती है। तो उसका जो नीचे खाना जाता है बोलस के फॉर्म में, तो ऐसा नहीं है कि सीधा डाले वो नीचे गिर गया। तो उसका क्या होता है कि एक मूवमेंट होता है, जो एक एक मिनट। तो अब मान लीजिए कि ये हमारा कुछ फिगर दिख रहा है, कुछ यस मैम। फिगर। तो अब हमारा क्या हुआ कि पहला इनगेशंस हो गया, कुछ भी खाना गया, ठीक है, खाना गया जो आपने डाला। उसके बाद अब ये खाना क्या हुआ कि फेरिंग्स तक आया, तो यहाँ पे जो डाला ये आपका वॉलेंटरली है, वो आपके मर्जी से यहाँ तक खाना आया। उसके बाद खाना जो यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा, पेरिस्टाल्सिस मोमेंट होगा, ये इनवॉलेंट्री है। अब ये पेरिस्टाल्सिस मोमेंट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का पार्ट है। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, रिलैक्सेशन मतलब फैलना। जैसे आपको रिलैक्स करने का मन है, तो आप क्या करते हैं, अब सोचिए आप रिलैक्स करना है तो क्या करते हैं, आप फैल जाते हैं कहीं भी, सोफा पे फैल गए। तो रिलैक्सेशन, जब भी कोई भी चीज का वो नाम आए रिलैक्सेशन, दैट मीन्स फैल जाना। तो अब मान लीजिए ये बोलस के फॉर्म में आया खाना, ये गोल गोल है, स्क्वायर बन गया, बट ये गोल है। तो अब ये क्या हुआ कि गोल डायरेक्ट ऐसे नहीं गिर जाएगा, तो इसको गिरने के लिए क्या हुआ, या तो एक पार्ट्स को सिकुड़ना पड़ेगा। ये इस टाइप का मोमेंट होते रहता है, ये स्ट्रेट नहीं होके दोनों तरफ से, इस कोई एक पार्ट सिकुड़ रहा है, कोई एक पार्ट रिलैक्स हो रहा है। तो इसी मोमेंट के साथ ये खाना नीचे उतरता है, इसी एक प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। कंफ्यूजन है किन्हीं को? नो मैम। ओके। अब इस बीच में क्या हुआ कि जो भी इसको मिलना था वहां पे मिल गया, उसके बाद वो हमारे कहाँ तक पहुंचा, बॉडी तक पहुंचा।
ठीक है, सॉरी स्टमक तक पहुंचा। उसके बाद दो तरह के डाइजेशन स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट मैकेनिकल, दूसरा केमिकल। मैकेनिकल कहने का मतलब है कि यहाँ पे केमिकली कुछ चीज नहीं प्रेजेंट है, वो चून होके आया, ग्राइंड हुआ किसी तरह से, कोई यहाँ पे केमिकल प्रेजेंट नहीं है। केमिकल कहने का मतलब है इधर HCl हो गया या कोई तरह का एंजाइम्स हो गया, कोई कुछ भी। तो अब ये ब्रेक कैसे होगा, कैसे डाइजेस्ट करेगा? तो कैसे डाइजेस्ट किया, तो हम क्या किए, मेस्टिकेट किए उसको, दांत से ग्राइंड अप किए उसको, तो छोटा छोटा अमाउंट्स में मेस्टिकेट हो गया, तो थोड़ा डाइजेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या किए कि जैसे ही उसको छोटा अमाउंट में किए तो उसकी मोबिलिटी बढ़ गई, मतलब जाने की टेंडेंसी बढ़ गई, और क्या हुआ कि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, एब्जॉर्प्शन के लिए बेटर हो गया। तो इस टाइप से जो भी चीज किए तो हमारे मुंह में हुआ, फिर जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल सॉरी स्टमक में जाता है। तो स्टमक में भी हमारे बहुत सारे गैस्ट्रिक मस्कुलर मसल्स हैं, तो वो क्या किया, वो भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वहां पे भी शुरू है, वहां पे भी ऐसा नहीं है कि स्थिर रहता है पेट हमारा, स्थिर रहता है ऐसा नहीं है, कि वहां पे भी हमारा जो भी ऑर्गेन्स है वहां पे वो एक्टिवेट हो गया, वो भी कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है। तो उस समय क्या हो रहा है कि हमारा जो जो भी फूड है, हालांकि वो बहुत बोलस फॉर्म में आ चुका है, लेकिन फिर भी जितना बचा है उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए वहां पे भी वो मैकेनली चर्न्स हो रहा है। उसके साथ केमिकल भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि केमिकल नहीं होता है, लेकिन जो जिसमें केमिकल्स की जरूरत नहीं हो, जो सिर्फ इसी टाइप से डाइजेस्ट हो रहा हो, तो उसको हम लोग मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद फिर आता है केमिकल। अब केमिकल्स में क्या होगा, ऑब्वियस केमिकल्स में क्या होगा कि जितने तरह के ग्लैंड से जो भी सिक्रेशंस निकल रहा हो, चाहे वो माउथ से ही स्टार्ट हो गया, सलाइवा हो गया, HCl हो गया, या जितने तरह के इंजाइम्स हो गए, पेप्सिन्स हो गए, केमोट्रेप्सिन्स हो गए, जितने तरह के इंजाइम्स सब मिल के उस पे जो काम कर रहा है, तो वो जो डाइजेस्ट कर रहा है वो है केमिकल डाइजेशन। ये केमिकल डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट, सभी तरह के डाइजेशन, मैकेनिकल भी हमारे माउथ से स्टार्ट हो गया, दांत चर्न्स किया, उसके बाद पेट तक में गया, फिर वहां पे भी चर्न्स हो रहा है, वैसे ही हमारे केमिकल डाइजेशन भी सलाइवा मिक्सअप हुआ, फिर नीचे गया हमारे स्टमक से, कुछ सिक्रेशन निकला, पेप्सिनोजेन व्हाटएवर, उसके बाद फिर पेनक्रेटिक जूस आया, बाइल जूस आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो वहां पे भी फिर केमिकल डाइजेशन हो रहा है। तो ये जो डाइजेशन हो रहा है, पचाने का काम हो रहा है, तो यहां तक केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन में कोई दिक्कत किन्हीं को? केमिकल डाइजेशन में मेनली कोई भी तरह के एंजाइम्स या कोई भी चीज आके केमिकली जो प्रेजेंट हो जाएगा और फिर डाइजेशन में हेल्प करेगा, दैट इज केमिकल डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। अब टोटली डाइजेशन कंप्लीट हो गया, केमिकली भी हो गया, मैकेनिकल फॉर्म में भी हो गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या होगा, सीधा बाहर तो निकलना नहीं है, जो भी डाइजेशन जो भी न्यूट्रिएंट्स है डाइजेस्ट हो गया है, तो अब वो हम खा इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमको अपने बॉडी में उसके रिक्वायरमेंट्स है, ATP के फॉर्म में चाहिए हमको, या स्टोर फॉर्म में भी चाहिए, ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी स्टोर चाहिए, कोई भी फॉर्म में स्टोर हमको चाहिए पूरे बॉडी में। तो अब ये जो है हम क्या करेंगे, जितने भी चीज डाइजेस्ट हो गए हैं वो क्या होगा, हमारा जितने भी एलिमेंट्री ट्रैक्स है वहां पे बहुत ज्यादा हमारा क्या है, लिम्फ कैपिलरीज है, तो वहां से वो एब्जॉर्ब करेगा, चाहे विलाई है तो वो इंटरकनेक्टेड है बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स से, तो अब वहां पे जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये जो खींचने की प्रक्रिया है जो भी न्यूट्रिएंट्स व्हाटएवर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। इससे पहले आपने पढ़ लिया कि एब्जॉर्प्शन कहाँ स्टार्ट होता है हमारा, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। उसके बाद ये जो एलिमेंट्री ट्रैक के जो लुमेन है, जो भी कैविटीज है, नैरोअर कैविटीज मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो को लुमेन्स बोलते हैं, लुमेन्स मतलब अगर नॉर्मली टर्मोलॉजी में लुमेन्स देखें तो कोई भी कैविटीज को, कोई भी कैविटीज को हम लोग लुमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे लुमेन्स कहने का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन के लुमेन्स में, वहां पे मेनली सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद अब जो फूड बचा,
जो फर्दर डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो फर्दर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो अब वो हमारे बॉडी में रह जाएगा, तो ऑब्वियस टॉक्सिक फॉर्म करेगा, तो वो हमारे बॉडी में एक्सपेल आउट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ अ स्टूल। तो इस एक प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशंस। यहां तक में कोई दिक्कत? ये पूरा फिजियोलॉजी है डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहां तक में कोई दिक्कत है किन्हीं को? नो मैम, चलिए अब हम देखते हैं कि ये फिजियोलॉजी तो हम पढ़ लिए कि हाँ कहाँ कहाँ क्या हुआ, तो अब हम एक एक करके सारे कैविटीज के बारे में देखेंगे। अगर इन क्वेश्चंस आ गया कि माउथ कैविटी में क्या हो रहा है, ओरल कैविटी में क्या हो रहा है, या स्टमक में क्या हो रहा है, मेनली क्वेश्चंस आपका जनरली क्वेश्चंस बी फॉर्म में जो आता है वो क्वेश्चंस क्या रहता है कि पेप्सिनोजेंस कैसे कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। ये मेनली बहुत हम लोग जब पढ़ते थे बी फॉर्म में तो ये क्वेश्चन हमेशा आता था कि पेप्सिनोजेंस कैसे कन्वर्ट हो रहा है पेप्सिन्स में, या स्टमक में क्या चीज हो रहा है, डाइजेशन के रिगार्डिंग क्या क्या एक्टिविटीज हो रहा है स्टमक में, ये क्वेश्चन आता था। तो हो सकता है आपका क्वेश्चन बदल रहा है, स्टमक की जगह स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पूछ दिया जाए, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, और आप लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट शायद हो गया है कंप्लीटेड। तो अब हम ओरल कैविटी के बारे में पढ़ते मैम हैं। कौन से स्टैम में हम लोग का दिया गया है? हाँ ये तो हमको नहीं पता, ये आप सर से बात कर लीजिएगा, ये हमको बस पता है कि आपको रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो अब ओरल कैविटीज में हम पढ़ते हैं, तो जैसे ही इंगेशंस हम किए हैं, ठीक है, तो फूड चबाए, हम इंगेशन किए, फूड लिए, और फूड लिए तो ऐसे मुंह पे तो रखे नहीं, हम कुछ चबाए होंगे, तो जैसे ही उसको हम च्यू किए तो क्या हुआ कि हमारा सलाइवा उस पे मिक्सअप हुआ। तो सलाइवा जैसे ही मिक्सअप होगा तो सलाइवा का मेनली काम क्या है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना। सलाइवा किस पे काम करता है? स्टार्च हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करता है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स पे ही काम किया ना। यस मैम, और तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पे काम किया या स्टार्च पे काम किया। दूसरा काम क्या हुआ कि टीथ, जो भी चीज को ग्राइंड किया तो अब जो बड़ा अमाउंट है तो उसको क्या किया, थोड़ा चांस कर दिया, तो उसको साउ बोलस फॉर्म करने में ज्यादा सुविधा हो गया। अब वो स्टमक में गया तो स्टमक का काम थोड़ा कम हो गया, वहां पे मैकेनिकल जो डाइजेशन हो रहा था वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो अब सलाइवा जो मिक्सअप हुआ जितना देर में हमारे मुंह में रहा उतना देर में वो 5 to 10% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है, और जो रेस्ट बचता है इसोफेगस से नीचे उतरते वक्त, जब तक हमारा स्टमक जब तक हमारा स्टमक में वो चीज पहुंचेगा, पैप्सिनोजेन एक्टिवेट होगा पैप्सिन में, तो उतना देर का जो भी समय इसको बचता है, जब तक एचसीएल पूरा एसिडिक कंटेंट नहीं हो जाता, तब तक वो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या बोलते हैं, डाइजेशन होते रहता है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद वो फेरिंग्स में आया, और फेरिंग्स के साथ कहाँ चला गया, नीचे स्टमक में। तो फेरिंग्स और इसोफेगस में वैसा कुछ ज्यादा नहीं होता है, वही जो भी सलाइवा मिक्सअप हुआ उसका थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ, और मेनली खाना स्टमक में आता है। उसके बाद जो मेजर प्रक्रियाएं हैं वो हमारे स्टमक में होता है। तो अब जो हमारा स्टमक है, जो भी खाना आया, तो अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, और बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं अलग अलग, जो अलग अलग चीज क्या बोलते हैं, सिक्रेट करते हैं। तो अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं तो ये क्या करते हैं, हमारा जो स्टमक है वो हम जानते हैं कि मस्कुलर ऑर्गेन है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन भी है। म्यूकस मेम्ब्रेन इसीलिए है ताकि ये हमारे स्टमक को मस्कुलर ऑर्गेन है, पहला तो मस्कुलर ऑर्गेन है, दूसरा क्या है कि एससीएल का सिक्रेशन है, 2-3 pH है एससीएल का, तो वो जैसे ही हमारे मस्कुलर ऑर्गेन पे पड़ेगा, इवन आपके स्किन पे पड़ेगा, तो स्किन को जला देगा। तो इसी चीज को कम करने के लिए क्या है, मस्कुलर मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है कि उस पे एसिड नहीं पड़ने देता, और एसिड का इफेक्ट नहीं होने देता हमारे स्टमक में। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे स्पेशलाइज सेल्स हैं जो
उनको जैसे गॉबलेट सेल हो गया और भी बहुत सारे पेराइटल सेल्स हो गए, इंट्रिंसिक फैक्टर्स को सिक्रेट करने के लिए सेल है। तो अब इन सब का काम काम क्या 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 काम है वो हम देखते हैं। जैसे गॉबलेट सेल है तो गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो भी है, जो म्यूकस है तो म्यूकस सिक्रेट का काम करता है। दूसरा पेराइटल सेल्स है तो पेराइटल सेल्स क्या करता है, एचसीएल को सिक्रेट करता है। तो अब चिप सेल्स क्या करता है, पेप्सिनोजेंस को सिक्रेट करता है। तो ऐसे हमारे जो भी स्टमक है वहां पे बहुत सारे ग्लैंड्स है, सबका अलग अलग काम है। तो अब ये जो एचसीएल है वो क्या करता है कि हमारा जो भी फूड आया तो पहला क्या किया कि एसिडिक मीडिया प्रोवाइड किया। तो अब जो सेलेबरी एमाइलेज आया है हमारे माउथ से, जो कार्बोहाइड्रेट को अभी भी डाइजेस्ट कर रहा है, उसको जैसे एक्टिवेट हुआ उसको रोक दिया पहला। दूसरा काम क्या किया, जो भी हमारा मुंह से, एक तो माउथ में ही हमारा लाइसोजाइम सब मिल गया था जो कि माइक्रोबियल को कम कर दिया। ऐसा नहीं कि हम जो भी खा रहे हैं वो पूरा माइक्रोब से फ्री हो, वो बहुत माइन्यूट है। अब कितना भी फ्री रहेगा, आप जस्ट अभी ओवन से निकाल के लाए हैं, फ्री करके लाए हैं, लेकिन जैसे आप निवाला लिए एनवायरमेंट में तो बहुत ज्यादा माइक्रोब्स है ना, वो आपके खाने में गया। तो हमारे माउथ में ही जो सलाइवा है उसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट है, वो वहीं पे खत्म किया उसको। लेकिन जो रेस्ट अमाउंट ऑफ बच गया वो क्या हुआ कि एचसीएल के द्वारा मारा गया, उतना कम पीएच वो सह नहीं पाया तो माइक्रोब्स को मार दिया। तीसरा क्या करता है कि पैप्सिन्स को एक्टिवेट होने के लिए, पैप्सिनोजेंस को पैप्सिन में बदलने के लिए एचसीएल की जरूरत होती है, लो पीएच की जरूरत होती है, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल है। तो अब ये जो पैप्सिन है, पैप्सिनोजेंस है जो चिप सेल के द्वारा निकला, तो ये पैप्सिनोजेंस डायरेक्ट काम नहीं कर सकता है आपके प्रोटीन्स पे, तो इसको बदलने के लिए क्या चाहिए, एचसीएल। उसके बाद ये पेप्सिन्स में बदला और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट किया और उसको स्मॉलर अमाउंट्स में किया। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई क्वेश्चंस है? नो मैम। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट क्या हुआ कि दो मिनट रुकेंगे, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा पेप्सिन एक्टिवेट हो गया। तो अब ये जो पेप्सिन एक्टिवेट हुआ तो वो किस पे काम करेगा, हमारा प्रोटीन्स पे। तो प्रोटीन्स भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इवन इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो कार्बोहाइड्रेट से भी काफी ज्यादा है। तो अब उसमें ये काम किया, उसको स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ा, तो जितना टूटा ठीक है, तो स्मॉलर यूनिट्स क्या होगा, प्रोटीन्स का पेप्टाइड्स में तोड़ा होगा या पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ा होगा या इवन अमीनो एसिड्स में तोड़ा होगा। तो उसके बाद लेकिन सभी, और अभी क्या हो रहा है कि ये तो केमिकली डाइजेशन है, इसके साथ आपने क्या पढ़ा था इससे पहले फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में, कि हमारा केमिकल के साथ मैकेनिकल डाइजेशन अभी स्टमक में होता है। तो मैकेनिकल कैसे होगा, कुछ ग्राइंड अप टाइप का कुछ होगा, कुछ उसको चूर्ण टाइप्स का करना होगा। तो इसलिए इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो गैस्ट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस हमारे पेट में होते रहता है, जो क्या करता है कि जो भी बोलस आया है उसको
गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करते रहता है, और उस एक कॉन्ट्रैक्शंस में, रिलैक्सेशंस के पीरियड में क्या होता है, यहाँ पे भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते रहता है। इस कारण क्या होता है कि जो खाना मैम होता है, हाँ मैम एक हाँ बात बोले मैम, हाँ हाँ बोलिए। क्लास ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि आपकी तबीयत बहुत खराब है मैम। अरे नहीं, उतना भी खराब नहीं है, ठीक है। सांस मैम आप सांस भी अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। ले रहे तो अभी तो जिंदा है हम। नो मैम, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है आपको। मैम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दीजिएगा, छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते। ओके मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। मैम।